प्रधानमंत्री ने गालियों का पूरा हिसाब रखा। गालियां तो यहाँ सभी को, हम लोगों को देते हैं, प्रदीप जी को भी देते हैं, सबको देते हैं, हम लोग कभी रखते भी नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा ये ट्रोल बगल में जो गालियां दे रहे हैं कितनी गालियां देते हैं, क्या है इसकी वजह, गालियों के भरोसे हैं। देखिए, हमारे समझ से तो ये है कि प्रधानमंत्री जी किसी मुद्दे को अपने पक्ष में करने के माहिर, उनसे बड़ा महारथी कोई है नहीं। और जब कर्नाटक में स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं, तो ये जाहिर सी बात थी कि ऐसी चीजें होंगी। मुझे तो तरस आता है कांग्रेस पार्टी पे कि क्यों इस तरह के लैंग्वेज यूज करते हैं वो। कम से कम इनको बोलने के लिए तो था कि भाई मतलब मोदी जी ऐसा बोलते, मोदी जी ऐसा बोलते आए, तो उन्होंने तो आज गिनती गिना दी कि भाई 91 बार तो आप कांग्रेस पार्टी ने भी इनको गाली दी है। तो वो भावनात्मक व्यक्तिगत बनाकर अब तो ऐसा लग रहा है कि जो हमें उम्मीद नहीं थी उतना, लेकिन मैं समझता हूं कि अब कर्नाटक में मोदी जी ने खुद अपने ऊपर ले लिया है, और सुना है कि लगातार हर दिन रैली है। तो अब ये देखिए, अब तो वो उस चीज में है, और हो सकता है उनकी रणनीति यही हो कि लास्ट फेज में इतना ज्यादा चुनाव प्रचार एकदम धुआंधार करके और भावनात्मक चीजों को उड़ेल के कुछ चीजों को पलटने की कोशिश की जाए। हालांकि एक साफ साफ है, इससे भी ये भी दिखता है कि मोदी जी बहुत कुछ डेवलपमेंट की आजकल बात कर रहे थे कि ये किया वो किया वो किया। अगर वो इस चीज पे आ गए हैं, ये वाली बात जो उन्होंने आज कही है, 91 जो उन्होंने गिनाए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको अब लग रहा है कि ये भावनात्मक ही ज्यादा कारगर होगा। लेकिन इससे कोई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्रयास, देखिए मैं बार बार कहता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चुनाव अंतिम दम तक अपने पूरी ताकत से लड़ेगी और लड़ेगी, छोड़ेगी नहीं, और वो भी जब कांग्रेस सामने, कांग्रेस उनको लगता है कि एकदम बिल्कुल टारगेट पर इनको कांग्रेस को कभी भी मटियामेट किया जा सकता है, उनसे लोहा मतलब लेके उनको हराया जा सकता है। इसलिए उनके लिए वो हरदम खोजते हैं कि ओपोनेंट में मेन कांग्रेस हो। लेकिन यहाँ थोड़ा बात पहले से भी चल रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, संगठनात्मक दृष्टि से भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं जो कि बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। तो इसलिए आप समझिए कि इसको भावनात्मक मुद्दे पर, भावना पे लाया जा रहा है, व्यक्तिगत बनाया जा रहा है, पर्सनालिटी मोदी वर्सेस कांग्रेस किया जा रहा है। और कांग्रेस को अगर रणनीति से चुनाव लड़ना है तो भाई आपको तो दूसरे ढंग से बात करनी चाहिए थी। फिर माफी मांगा है जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो अभी लेटेस्ट वाला हुआ है, लेकिन मोटी बात यही है कि हाँ, कर्नाटक में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कठिन चुनाव लड़ रही है, ये साफ सामने आ रहा है। प्रयास पूरा बीजेपी से होगा, प्रयास मोदी जी पूरा करेंगे। अब क्या टेबल टर्न होता है कि नहीं, ये कहना जरा मुश्किल है। आप देख लीजिए, आप हिमाचल में भी उन्होंने इतना ही प्रयास किया था, और गुजरात की बात छोड़ दीजिए, गुजरात में तो वो एक सीट भी हार गए तो उनको शायद दुखी होता होगा। तो ये एक पूरी स्थिति हमारे समझ से है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो अब सब कुछ तो आ गया है रणनीति पर, कौन मुद्दा बना देता है, कौन मुद्दा भुना लेता है, तो ये तो यहाँ पर तो कांग्रेस वाले छीकेंगे भी तो भी मुद्दा होगा। इसलिए तो ये इनको ध्यान रखना है, कांग्रेस वालों को, ये हम समझते हैं। हमें लगता है कि आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपने सुना था कभी किसी प्रधानमंत्री ने गालियों का एक कितना हिसाब रखा हो? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, ये अलग किस्म के प्रधानमंत्री है भाई जी। ये इनको मौका मिलेगा तो ये पंचायत के चुनाव में भी प्रचार करने जाएंगे। इनका हर कुछ तौर तरीका एकदम बिल्कुल अलग है। ये टिट फॉर टैट वाले, ये आपके घर में घुस के आपको, आपसे लड़ाई ले लेंगे, आपको वहां हराएंगे। तो ये मत कहिए ना कि कौन प्रधानमंत्री। अब देखिए, पूरा जो एक बात हमें समझनी पड़ेगी अमरीश जी, ये हम लोग गलत करते हैं, और मैं फिर बोलना चाहता हूं, ये पूरा जो मोड कम्युनिकेशन, टर्म्स, इडियम्स, रेफरेंस पॉइंट, ये सारे पॉलिटिक्स के बदल चुके हैं।
सब बदल चुके हैं। कुछ लोग अभी सेक्युलरिज्म वाले में जी रहे हैं, कुछ लोग अब रैशनैलिटी में जी रहे हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में जी रहे हैं, बहुत डेकोरम में चलते हैं कि भाई विरोध की जगह है, पहले होती थी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ये सब बदल चुका है एकदम सीधा। यहाँ पर है कि हम चुनाव में है, ये युद्ध से कम नहीं है, आप कुछ भी करोगे हम उसका उल्टा, आप शेर है तो हम क्विंटल से जवाब देंगे। बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न का कहा पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस की विधवा कहा, दीदी ओ दीदी करके तमाम तरीके से उन्होंने तंज कसे। प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगा।